नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जिया शर्मा। बंसल न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है, और इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनील राठौर, जो बंसल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन है और इस फील्ड में 5 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस रखते हैं। डॉक्टर सुनील, आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं एब्डोमिनो प्लास्टी यानी कि टमी टक सर्जरी के बारे में। अगर आपके भी इससे जुड़े कोई सवाल है, कोई मन में आपको सवाल है जो कि टमी टक के बारे में है, तो कार्यक्रम के दौरान आप सीधे हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप सवाल कर सकते हैं, डायरेक्टली बात कर सकते हैं डॉक्टर सुनील राठौर से। डॉक्टर राठौर, आज हमारा जो विषय है वो है टमी टक। तो सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि आखिर टमी टक क्या होता है। टमी टक बेसिकली मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसे अपन एब्डोमिनोप्लास्टी कहते हैं। एब्डोमिनोप्लास्टी या टमी टक मीन्स जब पेट के जो एक्स्ट्रा स्किन है, एक्स्ट्रा फैट है और जो मसल्स में वीकनेस आ गई है उसको रिलीव करने के लिए हम टमी टक करते हैं, जिससे उसका एस्थेटिक अपीयरेंस जो एब्डोमेन का जनरली क्या पॉट बेली लाइक जो हो जाता है उसे स्ट्रेट फ्लैट एब्डोमेन अपन को उससे मिल सकता है। ये जनरली उनमें देखने को मिलता है, स्पेशली कि जो ओबेसिटी के शिकार हैं, जिन्होंने वेट लूज किया है, वेट लूज करने के बाद जो बॉडी का जो फैट है वो तो डिजोल्व हो जाता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा स्किन जो उसके साथ जनरेट हुई है वो लैक्सिटी प्रोवाइड करती है। तो लैक्सिटी मीन्स जो झुलझुलापन या थुलथुलापन उसमें आ जाता है, तो उसको एक्साइज करके जो भी एक्स्ट्रा स्किन है उस एक्स्ट्रा स्किन को निकालने के बाद हम एक एब्डोमेन को एक फ्लैट शेप देते हैं। बिल्कुल, तो आपने बताया कि एब्डोमेन को एक फ्लैट शेप दिया जाता है। जो लोग ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं उनके लिए टमी टक का ऑपरेशन या सर्जरी हम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो कौन कौन ये सर्जरी करा सकता है डॉक्टर राठौर? देखिए, सर्जरी कौन कौन करा सकता है, स्पेशली उन जनरली ये सर्जरी फीमेल्स कराती हैं ज्यादा, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल्स ही करा सकती है, मेल्स भी टमी टक के लिए आते हैं। जनरली वो फीमेल्स जिनके एक या दो प्रेगनेंसी हुई है, तो उन कंडीशंस में क्या होता है, बॉडी की जो फिजियोलॉजी है वो चेंज होती है, जो एब्डोमिनल स्किन है वो स्ट्रेच होती है, जब वो डिलीवर करती है उसके बाद जो एक्स्ट्रा स्किन है वो एक अमाउंट तक रिट्रैक्ट करती है, उसके बाद भी एक स्किन में लूजपन आ जाता है। दूसरी बात, यदि कोई ओबेसिटी है वो रेगुलरली एक्सरसाइज करती है, फिर किसी जिम को ज्वाइन करती है, तो उसके बाद जब वो वेट लूज करती है तो भी स्किन में लैक्सिटी आ जाती है। तीसरी बात, विद द एज कि एजिंग को तो अपन रोक नहीं सकते, एज के हिसाब से भी जो स्किन की जो रिकॉलिंग प्रॉपर्टी है वो रिड्यूस हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी स्किन लैक्स हो जाती है। तो जो है, जो भी इस तरह के कैंडिडेट्स हैं वो एब्डोमिनोप्लास्टी करा सकते हैं, क्योंकि राइट नाउ जो है ब्यूटी सेंटर्ड वर्ल्ड है उसमें एस्थेटिक अपीयरेंस भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। स्पेशली जो है फिटनेस की यदि अपन बात करें कि एब्डोमिनोप्लास्टी के लिए फिट कौन होता है, जनरली जो है या आपको कोई सिग्निफिकेंट मेडिकल प्रीवियस इलनेस ना रही हो, कोई रनिंग इलनेस ना रही हो और कोई और कोमॉर्बिड इलनेस ना रही हो, तो उन कंडीशंस में अपन इन सब की एब्डोमिनोप्लास्टी कर सकते हैं। बिल्कुल, दो सवाल मेरे मन में आ रहे हैं कि जो टमी टक होती है कितने प्रकार की जाती है और क्या प्रोसेस होता है टमी टक करने का। बेसिकली टमी टक और एब्डोमिनोप्लास्टी यदि अपन बोले तो एक क्लासिफिकेशन तो उसका बहुत वाइड है, बट ब्रॉड टर्म में यदि अपन यूज करें तो मेनली दो प्रकार की होती है। फर्स्ट इज मिनी एब्डोमिनोप्लास्टी, सेकंड इज द स्टैंडर्ड एब्डोमिनोप्लास्टी। मिनी एब्डोमिनोप्लास्टी में जो इंसीजन देते हैं, बेसिकली जो इंसीजन रहता है वो अंडर गारमेंट्स की लाइन पे आता है ताकि वो दिखे भी ना, तो जो इंसीजन रहता है उसका साइज स्मॉल रहेगा, अराउंड 5-6 या 7 सेंटीमीटर के अराउंड रहेगा, और उन पेशेंट्स में जिनमें लोअर एब्डोमिनल फैट ज्यादा है या लोअर एब्डोमिनल स्किन की लैक्सिटी ज्यादा है उनमें अपन मिनी एब्डोमिनोप्लास्टी करते हैं। और सेकेंड इज द स्टैंडर्ड एब्डोमिनोप्लास्टी, इसमें इंसीजन थोड़ा सा बड़ा रहता है, इसमें मिड लाइन से लेकर दोनों तरफ की जो इलाइक क्रेस्ट है, दोनों तरफ की जो कूले की जो बोन्स है वहां तक इंसीजन एक्सटेंड करते हैं और एक्स्ट्रा स्किन जो है ऊपर एपिगेस्ट्रियम तक अपन निकालते हैं, मतलब मीन्स अपर एब्डोमेन तक निकालते हैं। और इन पेशेंट्स में जनरली जो मिड लाइन जो मसल्स हैं वो भी वीक रहती हैं, तो उनको भी टाइट करना जरूरी होता है, वो एक तो प्रेगनेंसी के टाइम वीक हो सकती है या फिर विद द एज वीक हो सकती है, तो उनको भी टाइट करना जरूरी होता है। तो बेसिक डिफरेंस यदि अपन देखें तो सिर्फ इंसीजन का रहता है कि एक में छोटा जो है चीरा मारना पड़ता है, एक में इंसीजन थोड़ा सा बड़ा रहता है। कंपैरेटिवली देखा जाए तो स्टैंडर्ड एब्डोमिनोप्लास्टी इज मेजर प्रोसीजर देन द मिनी एब्डोमिनोप्लास्टी।
बिल्कुल, तो आज हम बात कर रहे हैं टमी टक के बारे में। जो लोग ओबेसिटी के शिकार हो जाते हैं उनको कैसे वो टमी टक करा सकते हैं, अगर आपके मन में इससे जुड़ा कोई सवाल है, अगर आप भी टमी टक करवाना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर सुनील राठौर हमारे साथ लगातार स्टूडियो में मौजूद हैं, आपके सवालों का जवाब वो देंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर्स हमारे लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर राठौर, एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, क्या कोई स्पेसिफिक एज होती है टमी टक कराने की, या कौन सी एज में हम ये टमी टक करा सकते हैं? नहीं नहीं ऐसा कोई भी स्पेसिफिक एज नहीं है। मैंने पहले भी बताया कि ब्यूटी सेंटर्ड वर्ल्ड में एस्थेटिक अपीयरेंस बहुत ज्यादा मायने रखता है। आप यंगर एज से लेके ओल्डर एज ग्रुप तक टमी टक, ओल्डर एज ग्रुप इन द सेंस की 50-60 ईयर्स तक आप टमी टक करा सकते हैं। बेसिकली हम लोग प्रिफर करते हैं टमी टक के लिए स्पेशल इन द फीमेल्स की यदि उनकी फैमिली जो है वो कंप्लीट हो गई है, क्योंकि यदि फैमिली कंप्लीट नहीं होगी आप टमी टक करा लेंगे, दोबारा प्रेगनेंसी को यदि हायर करते हैं आप तो दोबारा एब्डोमिनल स्किन स्ट्रेच होगी, एब्डोमिनल स्किन स्ट्रेच होगी तो रिकॉइल के बाद दोबारा आपको जो है लूज स्किन मिलेगी। तो प्रेफर करते हैं कि फीमेल्स जनरली अपनी जो फैमिली है वो कंप्लीट कर ले। सेकेंड थिंग, यदि कोई यंगर पेशेंट बेरियाट्रिक सर्जरी कराता है, डिफरेंस देखिए कि बेरियाट्रिक और टमी टक में बहुत डिफरेंस है। बेरियाट्रिक सर्जरी में अपन इनर जो है स्टमक है उसका साइज को कम करते हैं ताकि वेट लूज कर सके, स्पेशली उन पेशेंट में जिनका जो बॉडी मास इंडेक्स है वो 32-33 को क्रॉस कर रहा है। तो उन कंडीशन में यदि कोई बेरियाट्रिक सर्जरी कराता है और फिर वेट लूज करता है तो सिग्निफिकेंट लैक्सिटी रहती है उसकी, इवन एब्डोमेन के अलावा भी बॉडी के अदर पार्ट्स में भी, तो उसमें टमी टक के साथ अदर प्रोसीजर्स भी करते हैं। तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप नहीं है, तो स्पेशली फीमेल्स को हम प्रेगनेंसी के बाद ही प्रेफर करते हैं कि एब्डोमिनोप्लास्टी करें ताकि लॉन्गर लास्टिंग रिजल्ट दे पाए हम उसे। बिल्कुल डॉक्टर राठौर, जैसा कि आपने बताया कि सर्जरी में एक चीरा लगाया जाता है और जो स्किन है उसको भी निकाला जाता है, तो जो चीरा लगाते हैं उसका क्या निशान विजिबल होता है, लोगों को दिखाई देता है उसका? बिल्कुल निशान? बहुत ही बढ़िया सवाल किया। नहीं, प्लास्टिक सर्जरी में इस चीज को बहुत ध्यान दिया जाता है कि जो स्कार आप लगा रहे हैं वो विजिबल है या नहीं है, यदि विजिबल है तो वो कितना सिग्निफिकेंट है। स्पेशली हम लोग जो एब्डोमिनोप्लास्टी करते हैं उसमें जो इंसिजन या जो स्कार देते हैं वो बहुत ही लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन पे देते हैं, स्पेशली उस एरिया पे देते हैं जो अंडर गारमेंट्स में जनरली कवर होता है। इसलिए जब भी प्री ऑपरेटिवली पेशेंट को हम लोग काउंसिल करते हैं तो उसकी स्पेशल मार्किंग होती है, तो जहां वो अंडर गारमेंट को बेयर करता है उसी अंडर गारमेंट में हम इंसिजन देते हैं, और फाइनली क्लोजर में भी वो जो इंसिजन या जो स्कार आता है वो अंडर गारमेंट की लाइन पे आता है। तो इवन आप जो है स्विमिंग पूल के जो सूट्स रहते हैं या फिर आप यदि शॉर्ट्स पहनना चाहते हैं तो आप वो जो चीरा है वो आपको दिखाई नहीं देगा, इसको जनरली अपन बिकनी लाइन इंसिजन बोलते हैं। बिल्कुल, तो अगर आप भी टमी टक कराना चाहते हैं, अगर आप ओबेसिटी का शिकार हैं या फिर ओबेसिटी का शिकार रह चुके हैं और लूज स्किन है, आप फिट हैं लेकिन स्किन अभी भी आपकी लूज है टमी की, तो आप टमी टक करा के उस लूज स्किन को निकलवा सकते हैं सर्जरी के द्वारा। जैसे कि सर्जरी की बात हम कर रहे हैं डॉक्टर राठौर, तो मैं पूछना चाहूंगी कि क्या उसमें कोई दर्द या सूजन होता है, क्योंकि सर्जरी नाम से ही लोगों को बड़ा डर लगता है कि ऑपरेशन के बाद उन्हें चीरा लगेगा, उसके बाद निशान उसमें पड़ जाएगा, प्लस बारिश के मौसम में भी पकने का डर रहता है, काफी सारे इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो इसके बारे में क्या आप बताना चाहेंगे आप? नहीं 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 ये जो है देखिए ऑपरेशन जब भी करते हैं तो उसमें थोड़ा सूजन तो रहता है, लेकिन सूजन विद द टाइम सेटल हो जाता है। स्पेशली यदि अपन टमी टक के एब्डोमिनोप्लास्टी की बात करें तो शुरुआत में फॉर द फर्स्ट और टू सेकेंड वीक जो है थोड़ा सा स्वेलिंग ज्यादा रहती है, और विद इन द 4-6 वीक्स ये जो है वो स्वेलिंग जो है रिड्यूस हो जाती है या कम हो जाती है। दूसरी बात कि आप बरसात या किसी पर्टिकुलर मौसम की बात कर रहे हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक पर्टिकुलर मौसम में कराएं तो जो चीरा लगाएंगे या फिर जो सर्जरी करेंगे उसकी रिकवरी फास्ट होगी, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। बिल्कुल, चलिए कॉलर्स हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। नीरज जुड़ चुके हैं खंडवा से। नीरज स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी नमस्कार मैम, सर को भी नमस्कार जी। क्या जानना चाहते हैं आप? मैं नीरज खंडवा से बोल रहा हूँ। मैं आपका कार्यक्रम देखा मैम, तो ये क्या था कि पहले हमारा वजन ज्यादा था, मैं थोड़ा मोटा था और हमने उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट लिया और कुछ, तो मैं अभी कुछ मेरा वजन तो घट गया है, मोटापा भी मेरा घट गया है, पर जो मेरे टमी है पेट थोड़ा सा अभी भी बाहर है, तो मैं दिखने में उतना फिट नहीं लग रहा हूँ। तो मैं चाह ये रहा हूँ कि मैं अपने पेट को फिट करवाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा स्वास्थ्य बढ़िया दिखे, मैं भी बढ़िया फिट दिखूँ, तो उसके लिए क्या सलाह देंगे डॉक्टर साहब से मैं थोड़ा? जी नीरज जी, आपकी एज क्या है और अभी वेट क्या है? एज हमारा है 35 साल है। अच्छा, और वेट क्या है आपका? वेट अभी हमारा 65 kg का है। अच्छा अच्छा, पहले क्या वेट था आपका? पहले था लगभग 50-90 मान सकते हैं। वेरी गुड, काफी अच्छा वेट रिड्यूस किया आपने। उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि एब्डोमेन की जो स्किन है वो काफी लूज हो गई है? जी जी जी, लूज हो। अच्छा, लूज हो गई है, वो आपको जब भी शर्ट वगैरह पहनते होंगे तो बाहर की तरफ दिखता होगा। जी सर जी।
बिल्कुल बिल्कुल, आप इस बार इसके लिए एब्डोमिनोप्लास्टी बिल्कुल अपन कर सकते हैं। एक बार आपको जो है कंसल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अपन को आपकी एब्डोमिनल जो स्किन है उसकी लेक्सिटी देखना पड़ेगी कि कितना लेक्स एब्डोमिन है और क्या पॉसिबल ऑप्शंस अपने हो सकते हैं। बिल्कुल, जब भी अपन एब्डोमिनोप्लास्टी करते हैं तो जो भी आपकी लूज स्किन होगी उस एक्स्ट्रा स्किन को अपन निकाल सकते हैं, तो उससे आपका अपियरेंस डेफिनेटली बेटर होगा। बिल्कुल, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तरु रायपुर से, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तनु हाँ नमस्ते जी, क्या जानना चाहती हैं आप, सवाल करिए। मैं मतलब ये ब्रेस्ट का इम्प्लांट करवाई थी, सर्जरी अच्छा। करवाई थी जी। जी जी हाँ, तो ये पहली बार का सर्जरी करवाई तो मुझे 2 साल बाद में थोड़ा सा नीचे भारीपन लगा। मैंने चेक करवाया तो उसमें क्या कुछ लिक्विड आ गया है ये बताया, फिर उसके निकाल दिए, फिर 6 मंथ के बाद फिर उसी इम्प्लांट को डाले, एक साइड बस। हाँ जी, हाँ जी, दोनों साइड नहीं। फिर नेक्स्ट टाइम जब किए तो फिर वो 2 महीने में ही फिर खराब हो गए, फिर 6 महीने रुक के फिर अभी तीसरी बार मैंने करवाया एक साइड बस। तो अभी मैं करवा तो ली हूँ लेकिन मुझे काफी डर लग रहा है और नीचे का स्किन जो है वो काफी सिकुड़ सा गया है, तो क्या करना चाहिए? सर्जरी हुई है तो क्या क्या तो सेफ्टी लूँ मैं? जी 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 तनु जी, तो आपने जो ब्रेस्ट इम्प्लांट डलवाए थे वो दोनों तरफ थे, थे लेकिन खराब एक ही साइड का हो एक रहा ही था। साइड का हुआ तो उसको अपन को 2-3 बार फिर निकालना पड़ा, फिर री इंसर्ट किया है डॉक्टर साहब ने। जी, तो बेसिकली क्या होता है, ये ब्रेस्ट इम्प्लांट जब भी अपन डालते हैं ये जनरली क्या सिलिकॉन इम्प्लांट्स होते हैं, तो कई बार बॉडी के स्मॉल रिएक्शंस की वजह से वहां पे एक सिकुड़ापन आ जाता है, जिसकी वजह से या तो कोई फ्लूड इकट्ठा हो जाता है या फिर कोई थिक वॉल्ड हो जाता है, वो जिसको अपन जनरली कैप्सुलर कॉन्ट्रैक्चर बोलते हैं। तो उस कंडीशन में बिल्कुल सही किया कि यदि वो इन्फेक्ट होता है या फिर कुछ लिक्विड उसमें निकलने लगता है या फिर कुछ इन्फेक्शन अपन सस्पेक्ट करते हैं तो उसको निकालना पड़ता है, उसके बाद उसके प्रोसीजर में दोबारा डालना भी पड़ सकता है। लेकिन क्या है कि आपके प्रोसीजर जो 2 या 3 बार हो गए उसकी वजह से जो नीचे वाली जो स्किन होगी वो बार बार जो है घाव को भरने के लिए थोड़ी सी थिकर हो गई होगी, तो इसलिए आपको वहां पर थोड़ा सिकुड़ापन लग रहा होगा। तो आप इसके लिए एक बार आपको दिखाना पड़ेगा कि किस तरह से स्किन में सिकुड़ापन आया और उसके लिए अपन और क्या कर सकते हैं, तो वो आपको देखने के बाद ही मैं आपको बता पाऊंगा। बिल्कुल, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं अगर आप परेशान हैं ढीली स्किन से, अपने शरीर में कहीं भी आपकी ढीली स्किन है तो टमी टक करके आप उस स्किन को निकलवा सकते हैं, सर्जरी करवा सकते हैं। और सर्जरी के जितने भी चीजें होती हैं वो डॉक्टर राठौर हमें आज बताने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। कॉल कर सकते हैं आप, नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। चलिए, पवन हमारे साथ जुड़ चुके हैं छिंदवाड़ा से। पवन, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी मैम, क्या जानना चाहते हैं पवन, आप सवाल करिए। मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरी अभी एज है 31 जी और मेरा वेट 95 और हाइट है 5'11" जी। तो अकॉर्डिंग ये आप जो टमी टक का बता रहे हैं इससे हम कितना वेट लॉस हो जाएगा एक बार सर्जरी कराने पर? देखिए, ये आपका मिथ है कि टमी टक कराने से वेट लॉस होगा। आप डिफरेंस समझिए, एक बेरियाट्रिक सर्जरी और टमी टक में बहुत डिफरेंस है। टमी टक बेसिकली जो है ज्यादा से ज्यादा 5, 7 या 8 पाउंड को रिड्यूस करते हैं। टमी टक में जो अपन करते हैं, जो आपकी लूज स्किन हो गई आपके वेट लूज करने के बाद उस एक्स्ट्रा स्किन को निकालेंगे। आपका सिर्फ टमी टक से वेट लूज नहीं होगा, वेट लूज करने के लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइजेस कराना पड़ेंगी ताकि आपका वेट लूज हो, उसके बाद जो स्किन की लैक्सिटी आएगी उसको अपन टमी टक से करेक्ट करेंगे। यदि आप सोचते हैं कि टमी टक से वेट लूज होगा तो नहीं, ये बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, डॉक्टर राठौर ये भी जानना चाहेंगे, 2 चीजें एक्चुअली जानना चाहेंगे कि सर्जरी के बाद कितने दिन बाद हम चल फिर सकते हैं, अपने डेली जो काम होते हैं वो हम कर सकते हैं, और डिस्चार्ज कितने दिनों बाद किया जाता है सर्जरी के बाद? जब भी हम टमी टक एब्डोमिनोप्लास्टी करते हैं तो जनरली 5 to 6 डेज का हॉस्पिटल स्टे रहता है। हम आपको 3 से 4 दिन में चलने के लिए शुरुआत करा देते हैं। आपको थोड़ा सा शुरुआती दिनों में 3 से 4 वीक थोड़ा सा झुक के चलना पड़ता है ताकि अपन जो लोअर एब्डोमेन में जो अपन जो टांके लगाते हैं उनमें स्ट्रेच ना हो। दूसरा, आपको भारी सामान थोड़ा सा कम उठाना है। तीसरी बात, आप छोटी छोटी जो ट्यूब्स डालते हैं हम लोग पेट के अंदर, वो ऑपरेशन के 3 या 4 दिन तक जनरली रहते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा ब्लड या थोड़ा बहुत जो लिक्विड है वो उसको निकाल पाए, वो भी 3 से 4 दिन में रिड्यूस कर देता है। तो ओवरऑल देखें तो 5 to 6 डेज का हॉस्पिटल स्टे रहता है। रिकवरी की यदि अपन बात करें तो जो स्वेलिंग है वो पहले 1 से 2 वीक में थोड़ी सी ज्यादा रहती है, वो टोटल उसको रिड्यूस होने में 4 to 6 वीक्स लग जाते हैं। आप अपनी नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज जो है या फिर रिटर्न टू योर ऑफिस जो है 1 to 1.5 मंथ बाद डेफिनेटली जा सकते हैं विद गुड एब्डोमिनल स्किन।
बिल्कुल, तो आप एक बढ़िया स्किन के साथ 1 से 1.5 महीने बाद अपने ऑफिस जा सकते हैं, रोजमर्रा के काम आप आसानी से कर सकते हैं, कोई ज्यादा बड़ी इसमें डिफिकल्टीज नहीं आती हैं, कोई ज्यादा बड़ी मुश्किल आपको नहीं आएगी। एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे कि प्रिकॉशंस तो हर ऑपरेशन के बाद हमें लेने ही पड़ते हैं, तो टमी टक कराने के बाद जो सर्जरी होती है उसमें हमें क्या प्रिकॉशंस या सावधानियां लेनी होती है? बहुत ज्यादा स्पेशल प्रिकॉशंस इसमें नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया कि शुरुआती टाइम में आपको एटलीस्ट फॉर 4 वीक्स जो है थोड़ा सा झुक के चलना पड़ता है ताकि जो टांकों पे जो प्रेशर है वो ना रहे। भारी भरकम सामान को आपको कम उठाना है क्योंकि जो एब्डोमेन की जो पेट के जो मसल्स है उनको भी टाइट किया हुआ होता है, ताकि जब तक उनमें स्ट्रेंथ आए तो उसमें स्ट्रेंथ आने में 4 to 6 वीक्स आपको लग जाते हैं। और तो ऐसा जैसा कुछ खास नहीं है, आप 1 to 1.5 मंथ बाद अपने रूटीन ऑफिस वर्क पे जा भी सकते हैं। बिल्कुल, एक और हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं मनीष बड़वानी से, स्वागत है आपका मनीष। हेलो जी मनीष, आपकी आवाज हम तक आ रही है, आप सवाल कर सकते हैं। मैम ये चर्बी बढ़ने का कारण समझ में नहीं आ रहा, मैम चर्बी बढ़ते जा रही जी। जी चर्बी बढ़ने की यदि बात करें तो वो आपके डाइटरी हैबिट्स पे डिपेंड करता है कि आपकी डाइटरी हैबिट्स कहती है। यदि आप ज्यादा फैटी मील रहते लेते हैं, जंक फूड ज्यादा खाते हैं, आपका एक्सपेंडिचर कम है और इंटेक ज्यादा है, तो जब भी बॉडी के जो मेटाबॉलिज्म हर चीज का एक इक्विलिब्रियम रहता है। यदि आपका जो जो फिजिकल वर्क है वो आपका कम है और आपका जो कैलोरी इंटेक है वो आपका ज्यादा, तो डेफिनेटली वो डिपॉजिट होगा। स्पेशली जो फैट डिपॉजिट होता है वो एब्डोमन पे डिपॉजिट होता है, तो आपको जो सबसे पहले जो अपीयरेंस लोगों को जो बैड अपीयरेंस लगता है वो एब्डोमन का लगता है। और सेकंड थिंग ये है कि कई बार ये फैमिलियल हैबिट्स भी होते हैं कि फैमिलियल जो है हिस्ट्री आपकी ओबेसिटी की रही है, आपके फैमिली मेंबर्स वो ओबेसिटी है मतलब ओबेज हैं, तो उन कंडीशंस में क्या रहता है कि जो फैट डिपोजिशन का जो रेट है वो कंपैरेटिवली अदर पॉपुलेशन से हायर रहता है। बिल्कुल, तो डॉक्टर राठौर जैसे कि आपने बताया कि सर्जरी के बाद थोड़ी सी सावधानी हमें बरतनी चाहिए, झुककर चलना चाहिए, आपने कहा कि 1 से 1.5 महीने बाद हम काम पे वापस लौट सकते हैं, तो क्या रिजल्ट इसके इंस्टेंट मिलते हैं या फिर कुछ टाइम के लिए हमें वेट करना होता है हमारी फ्लैट टमी के लिए? देखिए डेफिनेटली यदि आप रिजल्ट की बात करें तो आपको इमीडिएट रिजल्ट मिलेगा कि आप जो है प्रीवियस द सर्जरी आपके पास इतनी लेग्स एब्डोमिनल स्किन थी और आफ्टर द सर्जरी यू कैन सी दैट कि एब्डोमिन फ्लैट हो गया है, तो आप डेफिनेटली इमीडिएटली रिजल्ट देख सकते हैं। बट जो फाइनल रिजल्ट अपीयरेंस आता है, क्योंकि क्या शुरुआत में थोड़ी सी सूजन रहती है तो आपको एब्डोमेन फ्लैट तो दिखता है लेकिन थोड़ा सा सूजन भी दिखती है साथ में, तो सूजन को कम्प्लीटली डिसअपियर होने मतलब कम्प्लीटली खत्म होने में 3 से 4 महीने लग जाते हैं। आप 1 से 1.5 महीने बाद अपना नॉर्मल काम कर सकते हैं लेकिन फाइनल जो अपीयरेंस जो आपको एकदम बेस्ट लुक देगा वो आफ्टर 3 to 4 मंथ्स रहेगा। बिल्कुल, और डॉक्टर राठौर ये एक मिथ है या फिर आप मान लीजिए कि सभी लोगों में ये चीज रहती है कि अगर आप वेट लूज कराने के लिए कोई ऑपरेशन कराते हैं तो उसमें आपको जान का खतरा तक हो सकता है, लेकिन जैसे कि टमी टक है जो ढीली स्किन होती है उसको निकालने का काम करते हैं, तो क्या सर्जरी में कोई रिस्क होती है, उसके बाद हमें कोई साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं उसमें? ऐसा तो नहीं कहना चाहिए कि जान का खतरा होता है। देखिए डेफिनेटली जहां सर्जरी है वहां थोड़ा तो रिस्क है क्योंकि अपन पूरा बेहोश भी करते हैं, लेकिन यदि कोई फिट पेशेंट है, हमेशा इसीलिए पेशेंट सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। एब्डोमिनोप्लास्टी के लिए लेने के पहले हम आपको सिलेक्ट करेंगे कि आपको कोई प्रीवियस मेडिकल इलनेस तो नहीं है, कोई एसोसिएटेड जो कोमॉर्बिड इलनेस तो नहीं है, मतलब कुछ और कार्डियक प्रॉब्लम या फिर लंग्स प्रॉब्लम तो नहीं है या फिर कोई डीप वेनस थ्रोम्बोसिस तो नहीं है। तो जनरली रिस्क की अपन बात करें तो रिस्क बहुत ही माइनर होते हैं जो एक हर सर्जरी के साथ एसोसिएटेड रहते हैं। एज कंपेयर बात करें अदर सर्जरीज के लिए तो ऐसा कोई बहुत सिग्निफिकेंट रिस्क नहीं है कि आपकी एब्डोमिनोप्लास्टी आप कराएंगे तो बहुत ज्यादा रिस्क के साथ आपको वो जो है चांस लेना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल डॉक्टर राठौर, अगर कोई पेशेंट टमी टक सर्जरी करवाता है और उसकी फ्लैट टमी हो गई है, वो बड़ा खुश है, लेकिन कब तक चलता है ये सब? अगर वो वापस मोटा हो गया और वापस ढीली स्किन आ गई तो क्या फिर से उसको टमी टक का सर्जरी जो है वो करवानी पड़ेगी? आप रिजल्ट लॉन्ग लास्टिंग की बात कर रहे हैं, डेफिनेटली रिजल्ट लॉन्ग लास्टिंग रहेगा यदि आप कॉपरेट करेंगे। तो बेसिकली यदि अपन फिजियोलॉजी की बात करें तो यदि बॉडी के अंदर आप फैट को डिपॉजिट नहीं होने देंगे तो जितना फैट आपने हमने रिमूव किया है वो उसी पोजीशन पर रहेगा। यदि वो उसी पोजीशन पर रहेगा तो डेफिनेटली टमी फ्लैट रहेगी आपको, लेकिन यदि आपने डाइटरी हैबिट्स को कंट्रोल नहीं किया, रेगुलर एक्सरसाइज नहीं की, आपने वेट को स्टेबल नहीं किया, आपने सोचा टमी टक कराने के बाद फिर से आप नॉर्मल जो है हैवी फैट डाइट ले सकते हैं, तो ऐसा नहीं, जैसे ही आप फैट लेंगे फिर वो स्किन में डिपॉजिट होगा तो फिर वो स्किन जो है आपकी डिस्टेंड होना शुरू हो जाएगी। सेकंड थिंग कि हम पहले भी मैंने आपको बताया कि जो प्रेग्नेंट फीमेल्स है उनको फैमिली कंप्लीट करना जरूरी है, यदि उसके पहले आपने टमी टक कराई और फिर प्रेगनेंसी यदि आपकी हुई तो फिर से एब्डोमिनल स्किन स्ट्रेच होगी तो फिर से आपको जो लूज स्किन हो जाएगी। इसलिए मेरा कहने का मतलब यह है कि रिजल्ट लॉन्ग लास्टिंग रहेगा यदि आप कॉपरेट करेंगे साथ में।
बिल्कुल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने कहा कि फैट डिपॉजिट ना हो उसके लिए एक अच्छी डाइट लेना जरूरी है, तो डाइट आप हमें, अगर हमारे दर्शकों को बता दें कि क्या डाइट प्लान हमें फॉलो करना चाहिए। डाइट अच्छी डाइट मींस जो है आपके जो है हेल्दी डाइट रहे, हेल्दी डाइट जिसमें फैट का कंटेंट कम रहे, कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट ज्यादा रहे। आप अपना एक डाइटिशियन से कैलोरी चार्ट बनाए कि आपका डेली एक्सपेंडिचर जो रूटीन एक्टिविटीज है वो कितना है और आप इंटेक क्या ले रहे हैं। यदि आप इंटेक आउटपुट को प्रॉपर मैनेज करके रखेंगे तो आपका जो एक्स्ट्रा फैट डिपोजिशन डेफिनेटली नहीं होगा। तो इसके लिए आप एक प्रॉपर डाइटिशियन की सलाह अवश्य लें। जी डॉक्टर राठौर, ये भी जानना चाहेंगे टमी टक जो सर्जरी होती है उसको करने के बाद क्या हम कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिम हम ज्वाइन कर सकते हैं या योगा में योगा कर सकते हैं हम उसके बाद? बिल्कुल बिल्कुल, आफ्टर जो है 1.5 to 2 months आप अपनी रूटीन डेली रूटीन एक्टिविटीज कर सकते हैं, रेगुलर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज तो आपको करने यदि रखेंगे तो आप वेट मेंटेन करके चलेंगे उसको, तो उसका फायदा ही होगा आपको। इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे, अगर आप कोई टिप हमें देना चाहते हैं या हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं तो टमी टक के लिए आप क्या टिप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? टमी टक के बारे में मैं यही कहना चाहूंगा, सबसे पहले तो आप अपनी डाइट जो हेल्दी रखें ताकि आपका जो एक्स्ट्रा फैट डिपोजिशन ना हो, तो इन सब चीजों की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन यदि आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा लूज हो गई है, आपका फिजिकल अपीयरेंस आपको बैड लगता है, तो उसके लिए वेट करने की आपको जरूरत नहीं है या फिर छुपाने की जरूरत नहीं है। ये टमी टक या एब्डोमिनोप्लास्टी से हम एक अच्छा स्टैटिक अपीयरेंस दे सकते हैं, क्योंकि इस ब्यूटी सेंटर्ड वर्ल्ड में ये काफी जरूरी है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल को भी वो गेन करेगा डेफिनेटली। बिल्कुल, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रदीप भिंड से। प्रदीप, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी बोलिए। जी प्रदीप, क्या जानना चाहते हैं आप, सवाल कर सकते हैं। जी जी, मुझे सर से पूछना है, ये मेरा शरीर चावल खाने से शरीर बड़े आता है। जी देखिए, चावल खाने से आपका शरीर, चावल जो है हाई कैलोरी डाइट है बेसिकली, तो जो है यदि आप ज्यादा चावल खाते हैं तो डेफिनेटली जो है फैट डिपोजिशन भी आपका ज्यादा रहेगा, तो वेट गेन भी कंपैरेटिवली टू अदर डाइट जो है वो ज्यादा रहेगा। स्पेशली आप कोशिश करें कि चावल को थोड़ा सा अवॉइड करें और हाई फाइबर्स डाइट लें जिसमें सैलेड वगैरह ज्यादा हो, ताकि आपका जो स्टमक है वो भी आपको फुलनेस फील करेगा, आपको सेटाइटी भी रहेगी कि मैंने पूरा पेट भर लिया, और आपकी जो कैलोरीज हैं वो भी कम रहेंगी, तो आप मेरे हिसाब से आप अवॉइड करें तो ज्यादा बेटर होगा। बिल्कुल डॉक्टर राठौर, ये भी जानना चाहेंगे कि टमी टक की जो सर्जरी होती है उसके बाद क्या डॉक्टर्स के पास जाना जरूरी होता है, रेगुलर चेकअप कराना जरूरी होता है, अगर उनके चीरे में अगर किसी प्रकार का भी इन्फेक्शन होता है तो रेगुलर चेकअप कराना क्या जरूरी होता है? बेसिकली ये एक टाइप की इलेक्टिव सर्जरी है, तो इन्फेक्शन और अदर कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बहुत रेयर होते हैं, बहुत ही रेयर होते हैं, क्योंकि कोई प्रीवियस इन्फेक्शन ऑलरेडी होता नहीं उनमें, तो ऐसा जैसा कोई रेगुलर चेकअप की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, लेकिन प्रीवियस टू द सर्जरी काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो है जब तक कंसल्ट नहीं करेंगे तो आपका फाइनल अपीयरेंस कैसा होगा ये डॉक्टर आपको बता नहीं पाएगा, क्योंकि यदि आप अनरियलिस्टिक हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ आएंगे और आपकी एक्सपेक्टेशंस यदि फुलफिल नहीं होती हैं तो आप डेफिनेटली डिप्रेस फील करेंगे। बेसिकली जो भी एस्थेटिक या प्लास्टिक सर्जरीज होती हैं उनमें अपन ये सोचते हैं कि शायद एकदम एब्सोल्युटली नॉर्मल हो जाए लाइक सेलिब्रिटीज, बट हर कंडीशन में ये पॉसिबल नहीं है। आपका क्या पॉसिबल आउटकम हो सकता है वो एक कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन आपको बकायदा फुल्ली काउंसल्ट करके बिफोर द सर्जरी आपको फुल्ली एक्सप्लेन करेगा। इफ यू आर सेटिस्फाइड विद हिम Then I will go for the surgery definitely. बिल्कुल, डाइट के बारे में एक और बार आपसे जानना चाहेंगे कि वेजिटेबल्स या कोई फ्रूट्स हम लेते हैं तो ऐसे कौन से वेजिटेबल्स या फ्रूट्स होते हैं जिनको लेने के बाद हमारा वजन बढ़ता है, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि लोग फ्रूट्स खाते हैं और अपनी रेगुलर डाइट को वो नहीं फॉलो करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर फ्रूट खाने से आपका जो वजन बढ़ेगा। यदि कोई ये कह सकते हैं कि थोड़ा ज्यादा स्वीट रहेगा तो कैलोरी इनटेक उसका ज्यादा रहेगा तो वजन बढ़ सकता है, मेरे हिसाब से यदि आप चाहें तो सबसे अच्छा जो है वो हाई फाइबर डाइट लें, रेगुलर एक्सरसाइज करें और अपने वेट को मेंटेन करें। बिल्कुल डॉक्टर राठौर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे कार्यक्रम में और इतनी अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। थैंक यू। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर, साथ ही बताएंगे उसके उपाय भी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।